चलिए अब बढ़ते आगे। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और आपको जानकारी हम देना चाहेंगे कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वित्त मंत्री रामेश्वर राव 3 मार्च को बजट पेश करेंगे। कोरोना पॉजिटिव को सत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। और सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी अजय लाल जी का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय लाल जी, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है और पहले दिन अगर हम बात करेंगे तो राज्यपाल का अभिभाषण होना है और 3 मार्च को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। बिल्कुल जिसान, देखिए झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है। 11 बजे से बैठक की शुरुआत होगी और जो शेड्यूल विधानसभा सचिवालय के माध्यम से जारी किया गया उसके मुताबिक 11:30 यानी कि 11:30 बजे राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू विधानसभा पहुंचेंगी और उसके बाद उनका अभिभाषण होगा। शोक प्रस्ताव, जैसा कि परंपरा है जी, कोई भी सत्र हो उसके पहले दिन शोक प्रस्ताव होता है और जो कार्यसूची है विधानसभा सचिवालय के द्वारा जो दी गई है उसके उसमें ये कहा गया है यदि कोई नए सदस्य आए हैं तो उनका शपथ ग्रहण समारोह, यानी कि इस तरह की सूची बनती है। तो आज अहम दिन है क्योंकि बजट सत्र है, पूरे तरह से तमाम, चाहे वो पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के विधायक हों, तमाम लोगों ने पूरा होमवर्क कर रखा है और यहाँ पर यानी कि झारखंड विधानसभा में एंट्री के लिए भी जो नियम होते हैं COVID-19 के दौरान जो चीज़ें पहले से तय है उसमें थोड़ी और सख्ती कर दी गई है। तो अब से थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि विधायकों के भी आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से तस्वीरें विधानसभा के दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से तमाम जो एहतियातन तैयारियां होती है, जो चीज़ें होती है, और रामेश्वर उरांव यहां पहुंच चुके हैं विधानसभा के पास। मैं कोशिश करूँगा कि यदि उनसे हमारी बातचीत हो सके, मैं अपने सहयोगी देवाशीष से कहूँगा कि वो थोड़ा कैमरे को ट्राइपॉड से हटा के उन तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। रामेश्वर राव को मैं देख पा रहा हूं कि विधानसभा के बजट सत्र के लिए वो लगभग यहां पर पहुंच चुके हैं और रामेश्वर राव सुबह के वित्त मंत्री भी हैं। बजट सत्र आज होना है, बजट सत्र भी होना है। सर, सबकी निगाहें आपकी तरफ होंगी 3 तारीख को। पूरे सरकार की, हेमंत जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की निगाह इस राज्य के गरीब और गांव वासियों की ओर है, पूरे राज्य की ओर है लेकिन गांव और गरीब के प्रति ज्यादा है कि हम दावा करते हैं और हमारा दावा सही है कि गांव के विकास और गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए हम काम करेंगे। सफलता कितनी मिलेगी बात की चीज है, लेकिन सत्र की शुरुआत होनी है, क्या उम्मीद करेंगे सदन के भीतर का माहौल कैसा रहे? नहीं, आज माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण है, हम सबको अनुशासन में रहना है, उनकी बात को सुनना है, तो मैं समझता हूँ कि पूरा सदन आज शांत वातावरण में रहेगा और माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण सुनेगा। सत्ता पक्ष से ज्यादा होमवर्क इस बार विरोधियों ने कर रखा है तो कैसे उनको संतुष्ट कर पाएंगे, सेटिस्फाइड कर पाएंगे सदन के भीतर? ऐसा है कि हम तो वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, अगर तीखे प्रश्न भी पूछें विपक्ष के लोग तो हमको मौका मिलेगा उसे सीखने के लिए और उनकी आलोचना को हम सलाह के रूप में लेंगे और अपने में सुधार लेंगे। रामेश्वर राव इकलौते ऐसे विधायक हैं जो पूरी तरह से कंटेंट के साथ सदन में अपनी बातें रखते हैं, कहीं कोई ऐसी बातें नहीं जिसमें हवाबाजी ज्यादा हो, लफाजी ज्यादा हो। सर, आपसे लोग उम्मीद करते हैं कि विथ कंटेंट आपका स्पीच होता है। वैसे ही करूंगा जैसा मेरी आदत रही है, मेरी बातें भी उसी तरह से रहेगी। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, न करना करता हूँ न करूंगा, सबको साथ लेके एक भाईचारे के ख्याल से सबको साथ लेके चलता हूँ। मेरी उम्र ज्यादा है, मैं किसी का चाचा हूँ, जितने विधायक हैं चाचा कहते हैं, बाबा कहते हैं,
मैं उसी भाव से, जिस भाव से मुझे देखते हैं हमारे साथीगण माननीय विधानसभा के सदस्यगण, मेरा भी रवैया वही रहेगा उनके प्रति। कभी मैं तीखी बात नहीं करूंगा। अपोजिशन लीडर कौन होगा, किसको मानेंगे सदन के भीतर, ये स्पीकर पर निर्भर करता है, उनसे पूछ लीजिएगा आप। हमको हम जवाब देंगे क्या। देखिए कई चीजें रामेश्वर राव, थोड़ा जो उनकी मर्यादा है सर, राहत देंगे इस बार बजट में, चूंकि आज की बात तो फिर सीधे बजट पे ही चर्चा होगी 3 तारीख। ठीक, धन्यवाद। रामेश्वर राव थे बजट सत्र के लिए, वो सदन पहुंच गए हैं, विधानसभा में पहुंच गए हैं, और जैसा कि वो कह रहे थे कि विरोधियों द्वारा यदि तीखे सवाल भी पूछे जाएंगे तो उसका भी उनके पास जवाब है। मतलब साफ है कि विरोधियों के साथ साथ अपोजिशन के बजट सत्र का आगाज चूंकि हो रहा है, और हमारे सहयोगी वित्त मंत्री रामेश्वर राव से सीधी बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ अजय लाल जी, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और तमाम जानकारी हासिल करेंगे।